इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगे और आपकी वोकेबलरी, आपकी वर्ड मीनिंग और अच्छी हो। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। यमुना रिवर, यमुना रिवर, यमुना नदी, रिवर का मतलब होता है नदी, यमुना नाम है। वन नाइट, वन नाइट, एक रात, नाइट का मतलब होता है रात, वन ए। अकबर एंड बीरबल, अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल। वर स्टैंडिंग, वर स्टैंडिंग, खड़े हुए थे, वर का मतलब है थे, स्टैंडिंग खड़े हुए, खड़े हुए। ऑन द टेरेस ऑफ द आगरा फोर्ट, ऑन द टेरेस ऑफ द आगरा फोर्ट, आगरा किले के छत पर, ऑन द टेरेस का मतलब है छत पर, छत पर। आगरा फोर्ट, आगरे का किला, आगरे का किला। द साउंड ऑफ द यमुना रिवर, द साउंड, आवाज ऑफ द यमुना रिवर, यमुना नदी की, फ्लोइंग, फ्लोइंग, बहती हुई यमुना नदी की आवाज, नियर बाई, नियर बाई, पास में ही। कुड बी हर्ड क्लियरली, कुड बी हर्ड, सुनी जा सकती थी, क्लियरली, क्लियरली, साफ साफ, क्लियरली का मतलब है साफ साफ, साफ साफ। हर्ड, हियर का सेकेंड फॉर्म होता है, हियर का मतलब होता है सुनना, कुड बी हर्ड है तो सुनी जा सकती थी। इन द स्टिलनेस ऑफ द नाइट, इन द स्टिलनेस ऑफ द नाइट, रात की शांति में, स्टिलनेस का मतलब है यहाँ पर शांति, नाइट रात। इट साउंडेड एज दो, इट साउंडेड एज दो, मानो इसकी आवाज लगती थी, एज दो का मतलब है मानो, इट साउंडेड इसकी आवाज लगती थी। समबडी वॉज क्राइंग, somebody was crying, कि कोई रो रहा हो, somebody का मतलब है कोई, was crying रो रहा था या फिर रो रहा हो, cry का मतलब होता है रोना। suddenly, suddenly अचानक ही, suddenly का मतलब होता है अचानक ही, अचानक ही या फिर अचानक। अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से पूछा, आस्क्ड का मतलब है पूछा। व्हाई इज यमुना क्राइंग, व्हाई इज यमुना क्राइंग, क्यों यमुना रो रही है, वाय का मतलब है क्यों, इज है क्राइंग, रो रही यमुना, यमुना। ही वॉन्टेड, ही वॉन्टेड, वह चाहते थे बीरबल टू से, बीरबल टू से,
कि बीरबल कहे दैट कि ही डिड नॉट नो द रीजन, ही डिड नॉट नो द रीजन, कि वो कारण नहीं जानते थे. रीजन का मतलब होता है कारण या फिर वजह. डिड नॉट नो, नहीं जानते थे, नहीं जानते थे. अकबर चाहते थे कि बीरबल कहें कि वो इसका कारण नहीं जानते. बट लेकिन टू हिज अटर सरप्राइज, टू हिज अटर सरप्राइज, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ. अटर का मतलब है यहाँ पर बहुत, सरप्राइज आश्चर्य, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ. बीरबल रिप्लाइड इमीडिएटली, बीरबल रिप्लाइड इमीडिएटली, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया. इमीडिएटली का मतलब है तुरंत, रिप्लाइड जवाब दिया बीरबल, बीरबल ने. योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, महाराज, इट इज वेरी नेचुरल, इट इज वेरी नेचुरल, यह बहुत सामान्य सी बात है. नेचुरल का मतलब है यहाँ पर सामान्य, वेरी बहुत, यह सामान्य सी बात है. फॉर गर्ल्स, फॉर गर्ल्स लड़कियों के लिए. टू क्राई, टू क्राई रोना. व्हेन दे लीव देयर पेरेंट्स हाउस, व्हेन दे लीव जब वो छोड़ती हैं, देयर पेरेंट्स हाउस अपने माँ बाप का घर. देयर का मतलब है अपने, पेरेंट्स माँ बाप, हाउस घर, लीव छोड़ना. टू गो टू देयर हस्बैंड्स प्लेस, टू गो जाने के लिए, टू देयर हस्बैंड्स प्लेस अपने पति के जगह जाने के लिए. हस्बैंड्स प्लेस का मतलब है पति का घर या फिर पति की जगह. अकबर, अकबर नॉट हैविंग अंडरस्टूड, हैविंग अंडरस्टूड, अकबर नहीं समझ पाए द कनेक्शन, द कनेक्शन इस संबंध को. वॉज कन्फ्यूज्ड, वॉज कन्फ्यूज्ड कन्फ्यूज थे. ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड, ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड, उन्होंने समझने की कोशिश की. वॉट बीरबल एक्चुअली मेंट, वॉट बीरबल एक्चुअली मेंट, कि बीरबल का वास्तव में क्या मतलब था. एक्चुअली का मतलब है वास्तव में, वास्तव में. मेंट मतलब था, मतलब था. व्हाट क्या. बट लेकिन ही कुडंट, ही कुडंट लेकिन वह समझ नहीं सके. यहां पर कुडंट का मतलब कुडंट अंडरस्टैंड से होगा. सो इसलिए ही आस्क्ड बीरबल, ही आस्क्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल से कहा. टू एक्सप्लेन स्पष्ट करने के लिए. इन डिटेल, इन डिटेल और गहराई से, इसीलिए उन्होंने बीरबल से इसे और गहराई से स्पष्ट करने के लिए कहा. एक्सप्लेन का मतलब होता है स्पष्ट करना,
स्पष्ट करना, इन डिटेल, गहराई से, गहराई से। आस्क टू का मतलब होगा यहां पर कहा। बीरबल टोल द किंग, बीरबल टोल्ड द किंग, बीरबल ने राजा को बताया। टोल्ड का मतलब है बताया, टोल्ड टेल का सेकेंड फॉर्म होता है, टेल का मतलब होता है बताना, टोल्ड है तो बताया। द रिवर यमुना, द रिवर यमुना की नदी यमुना इज बॉर्न, इज बॉर्न जन्म लेती है इन द हिमालयाज, इन द हिमालयाज हिमालय में। एंड आफ्टर ट्रेवलिंग, एंड आफ्टर ट्रेवलिंग और यात्रा करने के बाद, आफ्टर का मतलब है बाद, ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना, यात्रा करना। अ लॉन्ग डिस्टेंस, अ लॉन्ग डिस्टेंस एक लंबी दूरी की, इट इवेंचुअली रीचेज, इट इवेंचुअली रीचेज आखिरकार ये पहुंचती है। इवेंचुअली का मतलब है आखिरकार, आखिरकार रीचेज पहुंचती है, पहुंचती है। एंड ज्वाइंट्स द बे ऑफ बंगाल, एंड ज्वाइंस और साथ हो जाती है द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। बे ऑफ बंगाल का मतलब है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ज्वाइंस का मतलब मिल जाती है या फिर आ जाती है। ये यमुना नदी हिमालय से निकलती है और एक लंबी यात्रा पूरी करने के बाद आखिरकार बंगाल की खाड़ी में ये पहुंच जाती है। द हिमालयाज, द हिमालयाज हिमालय आर हर पेरेंट्स, आर हर पेरेंट्स उसके माता पिता हैं। एंड और द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल और बंगाल की खाड़ी, हर हस्बैंड, हर हस्बैंड उसका पति, हिमालय उसके माता पिता हैं और बंगाल की खाड़ी उसका पति है। इज इट नॉट नेचुरल, इट इज नॉट नेचुरल क्या ये आम बात नहीं है, फॉर द यमुना, फॉर द यमुना यमुना के लिए, टू क्राई, टू क्राई रोना, एज शी लीव्स, एज शी लीव्स क्योंकि वो छोड़ती है, हर ओन हाउस, हर ओन हाउस अपना ही घर। लीव का मतलब होता है छोड़ना, एज का मतलब है क्योंकि, शी वह, ओन हाउस अपना घर, अपना घर। अकबर वॉज इम्प्रेस्ड, अकबर वॉज इम्प्रेस्ड अकबर प्रभावित हुए बाई बीरबल्स विटी आंसर, बाई बीरबल्स विटी आंसर बीरबल के समझदारी भरे जवाब से। विटी आंसर का मतलब है समझदारी भरा जवाब, समझदारी भरा जवाब बीरबल्स, बीरबल के, बाई से। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।